इतना कीमती और इतना निर्माण शब्द दिता, क्या सिखा ने झोली च पाया? जितना प्रबल हंकार गुस्ताखी माफ सिखा दे देखण नु मिल रहा है, शायद ही किधरे देखण नु मिले। जितनी बदम ने मुसलमाना की दुनिया देखण नु मिल रही है, शायद ही किधरे मिले। और जितना टूटा हुआ प्रेम ईसाइया की दुनिया च मिलता है, शायद ही किधरे मिले। और जितनी अज्ञानता गुस्ताखी माफ हिंदुआ की दुनिया च मिलती है, शायद ही किधरे मिले। मैं लफ्ज दोहरा दें, मनुख की समस्या है कि मनुख दुखी है, आर्थिक तल से, शरीरक तल से, मानसिक तल से, परिवारक तल से। एक तो रैगरी पुरुष सामने आए, अवतारी पुरुष पैगंबर, उन्होंने समस्यावां का समाधान रखा। एक राजनीतिक लोग अगे आए, बेसी समझा जो है सुलझावांगे, राजनीतिक, परिवारक, आर्थिक। तो मैं इस तरह राजनीतिक लोगों ने जिड़ी दवाई दिती उस नाल ते रोग दूर नहीं होया, ते महापुरुषा ने जिड़ी दवाई दिती वह मरीजा ने खाधी नहीं, वह सुट दिती परे, तो रोग अपनी थां ते मौजूद है, समस्या अपनी थां ते मौजूद है। सारी दुनिया दुखी है, बाली रोवे नाए फतार, नानक दुखिया सब संस, दुख ते अपनी थां ते। चलो कोई शरीरक तल ते दुखी नहीं होगा, आर्थिक तल ते होगा, तो जे आर्थिक तल ते दुखी नहीं है तो कम से कम परिवारक तल ते होगा, तो जे परिवारक तल ते भी दुखी नहीं है तो कम से कम मानसिक तल ते होगा, राजनीतिक तल ते होगा। कोई दावे ना ले नहीं कह सकता कि जिंदगी के हर पहलू च मैं सुखी हाँ, कोई भी नहीं है। महाराज कहते हैं, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भरा आया, मैं अपनी दुखा की पंडके के अगों खोला, अजय मैं खोलन लगता अगला पहले खोल के रख देते। मैं एक दुख की गल करना अगले दस सुना देने, किनू सुनाई है, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भरा आया। राजनीतिक लोगों ने जो समाधान पेश किए, नहीं समस्या हल हुई। महापुरुषा ने जो समाधान पेश किया वो कबूल नहीं होया, प्रवान नहीं होया। इस्लाम मुसलमाना नु कबूल नहीं होया, गुस्ताखी मां, ज्ञान हिंदुआ नु कबूल नहीं होया, प्रेम ईसाइया नु कबूल नहीं होया, सिखी सिख नु कबूल नहीं हुई। क्या है, क्या सिखा गुरु सिखी है? सिखी विच प्रेम है, सिखी विच ज्ञान है, सिखी विच अमन है, सलामती है। वो एक एक गुण देने सिखी सारे गुण आ जाते, गुरु की मत में सब कुछ आ जाता है। क्या यह है, रुखे जमीन पे मुसलमानों के बाद अगर कोई आपस में लड़ रहा सब तो ज्यादा तो सिख ने। मुसलमान लड़ रहे हैं बाजार विच, परिवार विच, सिख लड़ रहे हैं गुरुद्वारों विच। मुसलमान ना भी एक कदम अगे चला गया, वो लड़ रहे हैं बाजार विच, वो लड़ रहे हैं परिवारक तल पे, खूब लड़ रहे हैं। सिख की लड़ाई इतनी अगे बढ़ गई, गुरुद्वारे च लड़ रहे हैं और रज के लड़ रहे हैं, और सहजे सहजे जैसे गुरुद्वारे लड़ाई झगड़े के अखाड़े बने, तो लाभ उठा ले गए राधा स्वामी, निरंकारी, नामधारी, किले वाले, और पता नहीं कितने लाभ उठा के लेके गए। भाई आओ थानू असी प्रेम देइए, शांति देइए, सुकून देइए, नाम जपाइए। कुदरती गल है, जब सोना ना मिले तो मुलमे भी मन आती है, जब हीरे ना मिलन तो चमकते पत्थर भी बिकते हैं। जब सूरज नो बदलों के ओले छुपा के रख दईए तो मजबूरी कई दीवे जात जला के बैठ जाते हैं, मजबूरी। ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने अर्ज की थी कि ये सारे रस्तियां के नाम ने। सिख मत एक रस्ता है, जैन मत एक रस्ता है, बौद्ध मत एक रस्ता है, इस्लाम एक रस्ता है, वैदिक मत एक रस्ता है, ईसाइयत एक रस्ता है, इस्लाम एक मार्ग है, सब रस्ते हैं। इस संसार तो शुरू होते हैं, निरंकार तक पहुंचते हैं, और मैं इस क्रम में किसी भी रस्ते का निंदक नहीं, सब रस्ते पहुंचते हैं परमात्मा तक। इस्लामी रस्ते भी चल के भी कई पहुंचने, जैसे कि फरीद, वैदिक मार्ग पे चल के भी कई पहुंचे ने, जैसे कि भगत जयदेव, रामानंद,
और इसी तरीके सिख मत भी पहुंचे ने चोटी रे महापुरुष भाई गुरदास ने, पंच प्यारे ने, भाई मनी सिंह ने, बाबा दीप सिंह ने पहुंची हुई आत्मा, भाई बन्नो ने, भाई मंज ने, इसे मार्ग पे चले ना, इसे रस्ते नु अपनाया। जिवें वख वख रस्तियां तो दरिया सागर तक पहुंचते ने, वख वख रस्तियां तो मनुख परमात्मा तक पहुंचे। गुरु नानक ने बहुत निर्माण शब्द दिता, सिख तू कबूल कर मैं सीखना है, और तू कबूल कर मैं कुछ नहीं जानता। बड़ा अहंकार में देखना सिखा ने, हालांकि जिस तरह गवर्नमेंट के अलग अलग महकमे आते हैं और अलग अलग महकमे के वजीर अपने अपने महकमे संभालते हैं, कोई फाइनेंस का, कोई डिफेंस का, अलग अलग महकमे की तरफ उन्होंने जो है ध्यान होता है, उन्होंने शक्ति जो है उस पास लगती है। कोई मनुखा की हेल्थ बारे सोचता है, हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है, वक्त इस तरह कौम के भी अलग अलग महकमे आते हैं। कोई कौम की आर्थिक उन्नति करे, कोई कौम की राजनीतिक उन्नति करे, कोई कौम की धार्मिक उन्नति करे, कोई कौम की सामाजिक उन्नति करे। पर जब कोई एक कोई बंदा आ जाता है तो कहेंगे नहीं, यह सारे मैं ही कराँगा, बस इतों अनर्थ हो जाता है, हद हो गई। जब साडा दंद खराब होवे तो डेंटिस्ट कोल जाने, मोटर मैकेनिक कोल नहीं जाते। तो जब साड़ी मोटर खराब हो जाए, कार खराब हो जाए, तो डेंटिस्ट कोल नहीं जाते भी तू ठीक करके दे, वो किस तरह कार ठीक करेगा, दंद ठीक कर सकता है। और जो दंद दुखदा है तो मोटर मैकेनिक कोल चले जाइए, हथौड़ा उसके हाथ च है, प्लास उसके हाथ च है, शायद सारे तेरे दंद कट के रख देगा, वो तो मोटर ठीक कर सकता है, तेरे दंद नहीं ठीक कर सकता। पर इतने एक मोटर मैकेनिक या डेंटिस्ट दावा करता है नहीं, मोटर भी मैं ठीक करांगा, दंद भी मैं ठीक करांगा, अखा भी तेरिया मैं ठीक करा, कन भी मैं तेरे ठीक करांगा, सारी जिम्मेवारी मेरी। तो होंदा कि सब कुछ बिगड़ जाता, कुछ भी नहीं, सब कुछ बिगड़ जाता, सब कुछ खराब हो जाता है। ऐसा दावा क्यों, अहंकार। तो बड़ा निर्माण शब्द दिता सी, सिख तू सीखना है और कबूल करके मैं कुछ भी नहीं जानता, कम से कम सच बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये जो सच का मार्ग है, गुरु नानक ने सच कह, आवद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जिस महफिल बैठे हो, इस महफिल नू कहने सत संग, उन्हां बंदियां दा कठ जो सत दी संगत करन आए ने। ते सत की है परमात्मा, संस्कृत दे सत कह देने, पंजाबी च सच है, उर्दू दे सच है। सत संग जिथे बैठ के सत नाल जुड़न की कोशिश हो रही, सच्चाई नाल जुड़न की कोशिश हो रही, सतसंग ते जिहड़ा सत नाल जुड़ गया सतसंगी। हो सकता है गुरुद्वारे बैठिया भी कोई झूठ संगी होवे, सतसंगी ना होवे। अगर उसका देखना झूठ है, अगर उसका बोलना झूठ है, अगर उसका सोचना झूठ है, वो गुरुद्वारे विच बैठिया भी झूठ संगी है। अगर किसी का बोलना सच है, देखना सच है, सोचना सच है, तो शायद बाजार विच भी खड़ा होवे सतसंगी है, क्योंकि सत नाल ते जुड़े होए। उसकी सोचनी सच है, उसके बोलों में सच है, उसके कर्मों में सच है, उसकी तकनी में सच है, उसके सत्संगी है। पर गुरु की हजूरी च बैठ के भी तकनी भी झूठी, सोचना भी झूठ, बोलना भी झूठ, करना भी झूठ, ये झूठ संगी है, सत्संगी नहीं है। मनुख ने पहुंचना है सत तक, सच तक, सच खंड वसे निरंकार। तो बाबे ने चार पड़ाव दसे ने, यह पंजी मंजिल, धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, सच खंड। जिस तरह वैदिक ऋषियों ने दसिया कर्म कांड, पहले तो कर्म करने ने, उन्होंने वंड की थी शरीर के हिसाब न, तन मन आत्मा, उन्होंने इतों तीन पड़ाव बनाए, तन मन आत्मा। तो तन ले कर्म कांड, मन ले ज्ञान कांड, आत्मा ले मन ले उपासना कांड, और आत्मा ले ज्ञान कांड, उन्होंने इंज कह दिता।
तन नू लीन करो कर्म कांड दे तीर्थां दा रखण इशनान वर्त रखने ने पूजा करनी है अर्चा बंदन करना है धूप दीप करना है ये सब कर्म कांड कांड उपासना कांड ध्यान साधना करनी मन नू जोड़ना है और फिर ज्ञान कांड फिर इन्हां दो कर्मा करके कर्म कांड करके उपासना कांड करके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस्लाम ने तीन पड़ाव दसे चौथी मंजिल शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत हकीकत कहने में सच्चाई नो मोहम्मद साहब ने भी सच कह देता है भाई खुदा की है हकीकत सच्चाई जो सच तक पहुंच गया खुदा तक पहुंच गया। तो पहुंचण के तीन पड़ाव दसे ने शरीयत पहले शरा में आ गए जो मैं शरा दसी गए सुन्नत रखे और बकायदा शरी कानून जो समाजिक तल ते राजनीतिक तल ते शरीरक तल ते है उसकी धारणा करे उन्हें कबूल करे इस्लाम विच पढ़कर इस्त्री नहीं इस्लाम विच हज करना लाजमी है रखना लाजमी है पांच वक्त नमाज पढ़ना लाजमी है शरा शरा तो बाद तरीकत कुछ छोड़े कुछ त्यागे कुछ त्याग करे त्याग की भावना अपने अंदर पैदा करे किधरे धन का त्याग किधरे अहंकार का त्याग और किधरे अपनी जिंद जान का भी त्याग जो लोड़ पै जाए जहाद का नारा लाया सी त्याग तरीक त्याग तो बाद मार्फत फिर बैराग चाहिए बैराग कि जब कुछ भी नहीं है सब कुछ सच है एक बिरती चाहिए बैरागी मार्फत फिर बैराग तो लंघ के ही खुदा की प्राप्ति हकीकत शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत। गुरु नानक आरंभ कर देने धर्म खंड तो धर्म खंड ज्ञान खंड और फिर शर्म खंड कर्म खंड ते फिर सच खंड। धर्म खंड की है अपने आप देच एक कम से कम एक घंटा मेरे को मंगता है ते इत्थे आके जिस ढंग नाल प्रबंधक सजना ने प्रोग्राम बनाए ने मैं उसकी जिम्मेवारी निभानी है। इन्हां चार खंड ते पंजी मंजिल दी विचार आपां कल करांगे धर्म खंड ज्ञान खंड शर्म खंड कर्म खंड सच खंड ते विचार विच तुसीं इह अनुभव करना कि असीं किहड़े पड़ाव ते आ धर्म खंड विच खड़े हाँ ज्ञान खंड विच खड़े हाँ शर्म खंड विच खड़े हाँ कि कर्म खंड विच पहुंच गए हाँ या सच खंड वासी हो गए। बदकिस्मती है कि असीं मुरदियां नाल जोड़ दिता कोई मर जाए सच खंड वासी हो गया नहीं जो जीवदियां जी सच खंड वासी नहीं होया मर के नहीं हो सकता जीवनिया जी जी की सुख सच दे जलीन होगी सच की परमात्मा सच की ईश्वर सच की निरंकार सच की परिपूर्ण परमात्मा जिस दे सारे दैवी गुण आ जाते हैं जिहड़ा उत्थे तक पहुंच गया जिहड़ा उस दिच जी रहा है सच खंड वासी। और उस तो पहले चार पड़ाव ने धर्म खंड ज्ञान खंड शर्म खंड कर्म खंड इन्हां दे विचार कल आप जी के सामने रखांगे क्योंकि 8 बजे दूसरे गुरुद्वारे दास ने हाजिरी करनी है। इतनी विचार प्रवान करनी है बड़े टिकाओ नाल आपने गुरबाणी विचार नु सरवण कीता पातशाह रहमत करन बख्शिश करन कि इस मार्ग ते थोड़ी सुरत चल सके। ते मैं अर्ज कीती सी यह मार्ग ऐसा है जैसे मच्छी चलती है पानी दे के रस्ता बनता है उन कोई रस्ता नहीं है। मनुख जब वाहेगुरु जपदा है रस्ता बनता है उन कोई रस्ता नहीं उन कोई मार्ग नहीं इस तरह का बना बनाया मार्ग नहीं है जिमें जमीन देते सड़क हैं इतने चलन नाल रस्ता मिलता है उंज नहीं जपया जपाया नाम नहीं मिलेगा रेडीमेड नहीं मिलेगा। भोजन मिल सकता है बाजार च होटलों चो कपड़े मिल सकते हैं रेडीमेड मकान मिल सकता है सब कुछ मिल सकता है नाम जपना पेगा रेडीमेड नहीं मिलेगा जपया जपाया नहीं मिलेगा। इतने आपन हथी आपना आपे ही काल सवारी जपदे ही मार्ग बनता है जपदे ही रस्ता बनता है उंज कोई रस्ता नहीं। कल आप इसकी सारी विचार करांगे सारे हार्दिक तौर से धन्यवाद भुल चुक दी क्षमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद कहां तुझ प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी हम ना सिफत कर सकत तुम्हारी आप ले ओ तुम कथा सुधारी कहां लगे एहो कीट बखाने महिमा तोर तो ही प्रभ जाने पिता जन्म जो भूत ना पावे कहां तवन का भेद बतावे सन्मानियो गुरु रूप सत्संग जीओ गुरुदेव दी सनेमर फतेह प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जमीन ते जो असी चलते हाँ सफर करते हाँ सानू पता चल जाता है कितनी वाट असी तय कर ली और कितनी अगे रही है जिसनों कहने ने गुरु पंथ पंथ दे अर्थ ने मार्ग रस्ता पंथी राही पंथ रस्ता जो पंथ ते चल रहा है इस रस्ते विच भी कुछ ऐसे ने जो चल के पहुंच जाते ने कुछ अध विचकार कुछ थोड़ी दूर चले आते ने निराशा घेर लेंदी है कुछ चलन की तैयारी करते ने कुछ रस्ता ही पुछते रहते ने और कुछ ऐसे ने जिन्हों रस्ते की सोच ही नहीं रस्ते दे चलन का शौक ही नहीं जिंदगी का यह मुद्दा ही नहीं है मकसद ही नहीं है इन्हें धर्म मार्ग कहते ने गुरु का मार्ग कहते ने गुरु पंथ कल ने अर्ज की सी कि सारे पंथ ने रस्ते ने इस्लाम सनातन मत जैन मत बौद्ध मत ईसाइयत और इसे तरीके नाल सिख मत गुरमत ये मार्ग ने इस मार्ग में धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चार पड़ाव दसे ने ते मजे बस इस दी थोड़ी जिहा अज वजाहत करी जो पहला पड़ाव है इसनू सतगुरु धर्म खंड कहते हैं सनातन मत कर्म कांड कहता है इस्लाम शरीयत कहता है शरा विच आ जाना इस्लाम दे झंडे तले आ जाना कलमा पढ़ लेना और इस्लाम कबूल कर लेना सनातन मत हिंदू मत विच कहते हैं कर्म कांड जितना भी कर्म है शरीरक तल दे पूजा अर्चा बंधन तीर्थां दा रटन दान पुण इत्यादि इन्हू कर्म कांड कहते हैं पुनिया मसिया मनाने संग्रांत इत्यादि तरह तरह के वर्त यह सारे का सारा कर्म कांड विच आ जाता है बड़ा लंबा चौड़ा इन्हों का कर्म कांड है माघ का इशनान कुंभ का इशनान कुंभी का इशनान तीर्थां दा इशनान बहुत लंबे चौड़े कर्म कांड ने इस तरह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पांच खंड बयान किए ने जो इस तरह सतगुरु नाम देते ने धर्म खंड ज्ञान खंड ज्ञान तो पहले धर्म समझ कुछ भी नहीं पता कुछ भी नहीं ते चल पैना धर्म परमात्मा पहले चरण में ब्लाइंड फेथ है अंधविश्वास है पता तो कुछ भी नहीं ज्ञान के बाद चलेगा सोच समझ कुछ भी नहीं है
पहले चलना है, भरोसा करना है, यकीन करना है कि कोई सच है, भरोसा करना है कि सच है। तो हुण मैं अर्ज कर दिया, बिना देखे भरोसा करना बड़ी हिम्मत की गल है। इस वास्ते अगर ईश्वर नूं कोई इनकार कर दे तो कोई प्रत्यक्ष सबूत उसके सामने नहीं रखा जा सकता। नास्तिक की तसली नहीं कराई जा सकती, कोई भी अज तक तसली नहीं करा सकिया। जिहड़ा आके मैं परमात्मा नूं नहीं मनदा, बिल्कुल नहीं मनदा, और मैं तां मन सकदा मैनूं कोई सबूत दे सामने दिखावे। ते हुण मैं अर्ज करां, धर्म ग्रंथ यह कहने ने कितना भी वेखी है उस सच नूं पूरा वेख नहीं सकते। कितना भी कथन करिए पूरा कथन नहीं कर सकते, कितना भी सोचिए उन्हों पूरा सोच नहीं सकते। ते हुण मैं अर्ज करा, जिन्हों पूरा सोच सकते हैं वो मनुख की सोच तो वड्डा नहीं हो सकता। जिन्हों पूरा बयान किया जा सकता है वह जबान तो वड्डा, और जिन्हों पूरे का पूरा वेखिया जा सकता है वह तो अखां का विशा हो गया, अखां तो वड्डा नहीं हो सकता। सही बाणी ते कहिंदी है, क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथन आ जाए। मैं कथन कर करके देख लिया वो मेरी कथनी विच नहीं आऊंगा, मेरे कहने विच नहीं आऊंगा, मैं कह कह के देख लिया। गुरु नानक देव जी महाराज भी ऐसा फरमान कर देने, जे हो जाना, जे मैं उस सच नूं जान भी लिया, समझ भी गए, जुड़ भी गए, आखा ना ही मैं कहना नहीं, महाराज मान ले ते कह दो, रस तुसी मान ले ते कह दो। पर पता है पातशाह के की कहते ने, जे हों जाना आखा ना ही कहना कथन ना जाए, वो मेरी कथनी विच नहीं आऊंगा, वो मेरे कहने विच नहीं आऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी ऐसे को कहा, कहे कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोना आवे, मेरे कहने च नहीं आऊंगा, मैं कह कह के देख ले। पहले कदम विच उस परमात्मा ते भरोसा करना जिन्हू वेखिया नहीं, जानिया नहीं, समझिया नहीं, कोई रस नहीं, कोई पता नहीं, ते फिर भरोसा करिए, गल बड़ी कठिन है, औखी है। जब कभी इस तरह का प्रसंग चले तो मैं एक घटना चेते आउंदी है, स्वामी विवेकानंद दी। किसी नास्तिक ने उन्होंने प्रश्न कर दिता कि स्वामी जी, क्या मनुख लई ब्लाइंड फेथ की लोड़ है? क्या बंदे नूं अंधविश्वास चाहिए करना? एकदम समझ गए विवेकानंद भी ये केड़े तल तो बोलता पे। अखंड लगे चाहिए, ब्लाइंड फेथ भी चाहिए, पर एक शर्त है, जिसते फेथ करिए वो ब्लाइंड ना हो, जिसते विश्वास करिए वो अंधा ना हो। उन अंधविश्वास भी चाहिए, जिस परमात्मा नु वेखिया नहीं, जानिया नहीं, समझिया नहीं, हुण उस ते भरोसा है ते अंधविश्वास। ज्ञान बाद विच आउंदा है, इतनी मैं अर्ज करदे हां। सनातन मत ने ज्ञान तीसरे चरण विच रखिया है, गुरु नानक देव जी महाराज ने ज्ञान नूं दूजे चरण विच रखिया है, दूजे पड़ाव दे विच। प्रथम ते धर्म, ते हुण धर्म की है इसकी गुरु नानक आप व्याख्या करदे ने, राती रुती थिती वार, पाउन पानी अग्नि पाताल, इस विच धरती थाप रखी, सारी धरती धर्मशाला है, धर्म कमाण की जगह, धर्म नूं समझण की जगह, धर्म नूं अपनाण की जगह। धर्म दे अखरी अर्थ ने धारण करना, अखरी अर्थ यह बनते हैं, संस्कृत का यह शब्द है धर्म, अखरी अर्थ बनते ने धारण करना। किसनों नियम नो मर्यादा धारण करना है, किसनों नियम नो धारण करना है, किसनों मर्यादा, मर्यादा नियम,
फिर सतगुरु समझाते ने इस तरह धारण करना है जिमें जमीन दिच रातां ने रुत है थित है वार है मर्यादा दे चल रही है, नियम पूर्वक चल रही है, सब कुछ मर्यादा दिच है। जगत दिच बेमर्यादा कुछ भी नहीं, सूरज चंद तारे सब मर्यादा दे चल रहे हैं, नियम दे चल रहे हैं। अरबां खरबां तारे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कहंदे ने कई करोड़ा सूरज ने अनंत, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज चंद तारे ने, कोई एक सूरज है अनंत पसारा है और सारे का सारा गर्दिश दे चाहे रुके हो या कुछ भी नहीं है। पर मजा ले किधरे टकराव हो जाए एक्सीडेंट हो जाए नहीं है, इसका मतलब किसी तरतीब दे चाहे किसी मर्यादा दे चाहे। साहब कहने ने जिमें सब कुछ मर्यादा दे चल रहा है, सूरज चंद तारे जमीन रातां रुतां थितवार ये सारे मर्यादा दे चल रहे ने, तू भी मर्यादा दे चल, तेरा वेखना मर्यादा दे चोवे, तेरा बोलना मर्यादा दे चोवे, तेरा सुनना मर्यादा दे चोवे, तेरा खाना मर्यादा दे चोवे, तेरा पीना मर्यादा दे चोवे, तेरा पहनना मर्यादा दे चोवे, तेरा सोचना मर्यादा दे चोवे, तेरा जीवना भी मर्यादा दे चोवे, तेरा मरना भी मर्यादा दे चोवे, सब कुछ मर्यादा, तेरा हासा भी मर्यादा दे चाहिए, तेरा रोना भी मर्यादा चाहिए, सब कुछ मर्यादा दे, धर्म दे, धर्म तो मुराद मर्यादा नियम। और इस तरह तो नियम दे चल जैसे सब कुछ नियम दे चल रहा है। नियम समझाने की लोड़ मनुख नू पै गई, पशुओं नू समझाने की लोड़ नहीं, यकीन जानो नियम दे चल रहा है। कदों सोना चाहिए कदों जागना है इत मेरे ख्याल पंछियों तो पूछ रही है। जो सूरज गरूब होता है एक घर के तरफ आलणिया की तरफ उडारियां ला देंगे दौड़ पेंदे ने, खास करके चिड़िया पहुंच जांदियां ने आलणिया दे, चहचहांदियां ने, गीत गांदियां ने, खुश होंदियां ने, प्रसन्न होंदियां ने। और ज्यों रात का पहला पैर समाप्त होंदा है, समाप्त होंदे होंदे तक खामोश हो जांदियां सो जांदियां, ज्यों रात का चौथा पैर शुरू होंदा है चहचहाना शुरू, गीत गाना शुरू, उठ बैठियां, ये नियम दे सौंदियां ने, नियम दे उठदियां ने ये चिड़ियां। तभी तो बाबे फरीद ने कह दिता फरहाम बलहारे तिना पंखियां, जंगल जिन्ना वास कक्कर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। रबी नियम नो छोड़ दिया नहीं, मर्यादा दिच जी रही है, ज्यों पो फुटी है गीत गाना आरंभ हो गया, ज्यों पूरा चानना हो गया रिजक दी तलाश दे चल पईयां, ज्यों सूरज गरूब होण नू आया लाली छा गई है, इन्होंने वापस आना शुरू कर दिता है, पहुंच गई ने अंधेरे तो पहले पहले अपने आलणिया विच, गीत गांदियां हुई वापस आई ने और गीत गांदियां गांदियां सो जांदियां ने, फिर अमृत वेले चह चहांदियां हुई ये उठदिया ने, गीत गांदियां हुई ये उठदिया ने। एक बंदा ही है सौ तरह के सियापे लैके रात को सौंदा है ते सौ तरह दियां चिंतावां लैके सवेरे उठदा है, रोंदा होया सौंदा है, रोंदा होया जागदा है। ना नियम विच इसका सौना है, ना नियम विच इसका जागना है, ना नियम विच इसका खाना है, ना नियम विच इसका पीना है। ते भी मैं अर्ज करते हैं, मैं ते कई दफा हैरान हो जाना, धूम्रपान स्मोकिंग धुआं पिया पींदा है, कोई पशु नहीं पींदा, किसी पशु नू कह के देख लो धुआं पीवे नहीं पीएगा, पशु ने अगर उसके कोल जबान आती तो उन्हें साफ कह देना, कह देना सी दूध पियांगा पानी पियांगा धुआं बंदा पीवे मैं क्यों पीहां, धुआं सिर्फ मनुख पींदा है। और यह गैर नियम है, परमात्मा ने धुआं सानू पीण वास्ते नहीं आख्या, यह प्राकृतिक नहीं है, रब्बी नहीं है, नियम विच नहीं है। यह तो मैं इस तरह का एक उदाहरण दिता है, मदरा शराब
दुनिया के तमाम ग्रंथकारा ने ते मजहबी पुरुषा ने रैबरी पुरुषा ने इसकी निंदा की थी क्योंकि बंदे नो अचेत कर दी है। ते संत ते भगत बंदा उदो आंदा जब पूर्ण तौर ते सुचेत हो जाए, वरना नहीं। तो मनुख का खाना है पीना है नियम विच नहीं है, फिर जितनी भुख उतना खाना नियम विच है, भुख तो बिना खाना गैर नियम बेमर्यादा, पहनना भी बेमर्यादा हो सकता है। मैनू इस्लाम का पहरावा भी मर्यादा विच नहीं दिखाई देता और ईसाइयत का भी। इस्लाम ने स्त्री नू बुरका दे दिता है, ढक दिता है, सारा अरब ढके हुआ है, पाकिस्तान ढके हुए है, बांग्लादेश ढके हुए है, अफगानिस्तान है, ईरान है। पहले ईरान ढके हुआ नहीं सी पर हुण उत्थे भी बुरका है, खुमैनी ने आण नाल शरा दा कानून बन गया। स्त्री बिना बुरके तो बाजार विच नहीं आ सकती, घर तो बाहर नहीं निकल सकती। ईरान अफगानिस्तान सारे अरब देश, इराक है, कुवैत है, टूनिश है, मराकश है, सऊदी अरब है, सारे देशों में बड़ा जबरदस्त बुरका है, ढक दिता है, उन्होंने वस्तु उस चीज समझ है। चाहिदा तो यह अपनी अखां नूं पुरश किधरे शर्म हया का बुरका पहना देंदा और इन्हें कपड़े का बुरका औरत नूं पहना दिता, स्त्री नूं ढक दिता और ताजी हवा तो भी बेचारी मांझी रह गई। चार दीवारी दे चक्कर दिता, कुदरत दे नियम नू देखण दे च भी असमर्थ रह गई। और मस्जिद दे दरवाजे भी इस्त्री वास्ते बंद ने, मस्जिद दे च नहीं आ सकदी, नमाज नहीं पढ़ सकती, चारों पासे जकड़ के रख दिता। तो जिथे इस्लाम ने बड़ा जबरदस्त पर्दा दे दिता, ईसाइयत ने बिल्कुल नग्नता दे दी, बिल्कुल नग्नता। उत्थे जरूरत तो नहीं, इत्थे जरूरत तो ज्यादा नग्नता, तो नगरी हद हो गई, अत हो गई है। पहनना ते ओ सी बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकास। पहनना सिर्फ तन ढकण वास्ते सी, लेकिन तन छुपाण वास्ते नहीं सी। इतना मैं अर्ज कर दिया, मुंह छुपाण वास्ते, अखां परमात्मा ने वेखण वास्ते दित्तियां ने, छुपाण वास्ते नहीं। चेहरा एक दूजे का देख के पहचान होती है, ये ढकण वास्ते नहीं है। इस्लाम ने ढक दिता, ईसाइयत ने बिल्कुल नग्न कर दिता। दरम्याना रस्ता चुनना है, ऐसा पहनना जो मर्यादा दे चोवे, ऐसा खाना जो मर्यादा दे चोवे, प्राकृतिक नियम के मुताबिक है, ईश्वरी नियम के मुताबिक है। पशुओं को अपने आहार बारे फैसला नहीं करना पैंदा, कुदरत ने खुद उन्हां दी वंड कर दिती है। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, मांस खाएगा। भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी, घास खाएगी। इन्हां दा आहार रब वल्लों वंड दिता गया है, तकसीम है। इन्हां दीआं बाकी रुचियां भी परमात्मा दे हथ विच ने, नियम दिच जी रहे ने, मर्यादा दिच जी रहे ने, मर्यादा दिच खा रहे ने और मर्यादा दिच पी रहे ने, मर्यादा दिच अपने बच्चियां नू पैदा कर रहे ने, उन्हां दी पालना पै कर रहे ने। बिल्कुल सब कुछ पशुआं दा मर्यादा दिच चल रहे हैं, लेकिन विकास इस वास्ते नहीं कर सके कि ज्ञान तक नहीं जा सकते, एक कोई कदम ते रुक सकते हैं। धर्म खंड मर्यादा दिच जी सकते हैं, लेकिन अगो ज्ञान खंड शर्म खंड इतने नहीं पहुंच सकते, इस तरह की सूझ समझ कोई नहीं होना। बाकी सब कुछ मर्यादा दे, पेट भर जाए शेर का, भावे कितना भी शिकार उसके सामने क्यों ना हो, अमला नहीं करता, सुता ही रहता है, मस्त पे है। शिकार खेड़े है, खा ले है, पेट भर गया है, बाकी दूजे ले छोड़ देता है, नहीं खाता, पूर्ति हो गई। बहुत कुछ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े प्राकृतिक नियम के मुताबिक जी रहे हैं, उन्हों का जीवना मर्यादा दे है, नियम दे है। देखते हैं मनुख का कुछ भी मर्यादा दे नहीं है,
ना पहनना मर्यादा विच, ना वेखना मर्यादा विच, ना सुनना मर्यादा विच, ना सोचना मर्यादा विच। और हालात ऐसे हो गए हैं, ना हसना मर्यादा विच, ना रोना मर्यादा विच। भगतों का हसना ते रोना भी मर्यादा च हो जाता है। रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे तेरी बाज सच्चे ना है। हासा किस ते आंदा है? दूजिया की कमजोरी ते। एक चलता होया बंदा गिर गया, हासा निकल जाता है। किसी की पग लह गई है, हासा आ जाता है। अक्सर हासा कमजोर ते आंदा है, ताकतवर ते नहीं आंदा। बबर मुताला करके देख लेना। और नीवी तो नीवी मजाक भी कमजोर नाल कीती जा सकती है, ताकतवर नाल नहीं कीती जा सकती, शक्तिशाली नाल नहीं कीती जा सकती। ते मैं ये भी अर्ज कर रहा, हासा कोई बहुत गहरा भी नहीं होंदा, उथला होंदा, उपर उपर होंदा है। और अक्सर देखते हैं कि हसण लई मनुख नूं कोई नीवी गल चाहिए, कोई मजाक। और उस दिन करीबन करीबन 90% मजाक गंदा होंदा, पौंडा होंदा, नीवा होंदा। इस तो बिना मनुख हस ही नहीं सकता। हसण लई किसी नूं कोजा पेश करना, किसी नूं विंगा टेढ़ा पेश करना लाजमी है, नहीं तो हासा आउंदा ही नहीं। हासा आउंदा दूजियां दी कमजोरी ते, दूजियां दी मजबूरी ते। और इस तरह जैसे सर्कस दे पोने लोग मस्करे रख दिते जाने जोकर, ए दो दो फुट दे टाइट, उन्हां दा शरीर देखिए ते लोकां नूं हासा आवे। और उसकी मजबूरी है, उन्हें नहीं बलश शरीर मिलिया, पूरा शरीर नहीं मिलिया, बोना रह गया, बेचारे नूं वेख के हासा आउंदा। किसी दे सारे दंद बाहर निकले हुए ने, किसी की नक खराब है, किसी का मुंह मथा ठीक नहीं, किसी की एक बांह कोई नहीं, किसी की एक लत टूट गई है। बच्चे मजाक करन गए, लंगड़ा है, टुंडा है। अक्सर मजाक आती है दूजियां की कमजोरी ते, दूजियां की मजबूरी ते। अक्सर मनुख हसदा है दूजे की मजबूरी ते, दूजे की कमजोरी ते। बबर मुताला करके देखना। भगत भी हंसता है अपनी कमजोरी, बस इतना ही फर्क है। रंग हसे हंस पैंदा है भगत, क्यों? उन्हें दिसदा है कि दुनिया मैनू भगत कह रही है, संत कह रही है, पर मेरे ते खूबियां हैं कोई। काले मैटे कपड़े, काला मैटा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा, लोक कहन दरवेश। लोकी दरवेश कही जाते हैं, मैं दरवेश नहीं। अंदर कमजोरियां दिखाई देनी है, क्योंकि जैसे अंतर्मुखी कोई हो है, तो पहले पहले तो उन्हें कमजोरियां ही दिसन गया, जड़ियां पईयां ने जन्मां जन्मांतरां दिया। पता है कल्ला बैठने तो बंदा डरता क्यों है? कल्ले बैठने विच बंदे नूं अपनियां कमजोरियां दिखाई देनियां, दूजा तीजा चौथा पंजवां चाहीदा। मेरे देखे पूर्ण मनुख मर्यादा दे जीण वाला वो ही है जो कल्ला खुश बैठ सकता है, कल्ला प्रसन्न बैठ सकता है, कल्ला आनंद दे बैठ सकता है। तो मैं हैरान हाँ, मनुख पुत्रां नाल बैठ सकता है, मित्रां नाल बैठ सकता है, परिवार नाल बैठ सकता है, ते जे ये कुछ नहीं तो कम से कम कोई किताब चाहिए, ये भी नहीं तो कम से कम रेडियो टीवी कुछ ना कुछ चाहिए। मनुख अपने आप नाल नहीं बैठ सकता, टीवी नाल बैठ सकता है, रेडियो नाल बैठ सकता है, किताब नाल बैठ सकता है, पत्नी नाल बैठ सकता है, पति नाल पत्नी बैठ सकती है, पुत्रां नाल बैठ सकता है, मित्रां नाल बैठ सकता है, और किधरे किधरे दुश्मनां नाल भी बैठ सकता है, पर अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकता। कारण ऐसा क्यों? अपने आप दे नाल की होना है? अंतर्मुखी जैसे बंदा होता है, अंदर बेचैनी है, गम है, दुख है, तनाव है, फिक्र है, चिंता है, होर थोड़ा गहरा जाएगा तो विकार में। तो मनुख अपने तो एकदम भजदा है, मनुख कोई भी कल्ला बैठना नहीं चाहता। और मैं अर्ज करा धार्मिक साधना लई ते कल चाहिए, धर्म की साधना तो कल्ला बैठ वाहिगुरु मंत्र दा जाप कर, जैसे तेरा ध्यान अंतर्मुखी होगा तेनु अपनिया कमजोरियां दा पता चलेगा, तेनु अपनिया मजबूरियां दा पता चलेगा,
और कहने जिसनों अपनिया कमजोरियां दिखाई दे जान वो साधक है, इस मार्ग ते चल पे है, ते जिसने कमजोरियां नो दूर कर छड़िया साधु हो गया, संत हो गया। साध नाम निर्मल ताके कर, लेकिन पहला कदम तो यही है कि अंदर कमजोरियां दिखाई देन दिया। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उदा एक शेर सामने आया, कहता है रंगून की कैद देख सी उथे ही मरिया है, और जब जेल की तंग तारी कोठड़ी दे अंग्रेजा ने बंद कर दिता तो होर कोई चारा रहा ना, बार बार अपने आप दे नाल बैठना बेचैन दुखी परेशान, तो आखिर तस्वीर फेरना शुरू कर देते, नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, सहजे सहजे ध्यान गहरा जान लग पाया। रब का जपया हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाता, यह भी मैं अर्ज कर देना। पतित पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले, एक तिल जितनी कालना व्यर्थ नहीं जाती, लिखे लगती है फली बहुत होती है। एक मिनट का जपया हुआ नाम भी व्यर्थ नहीं जाता, एक घंटे की की हुई बंदगी भी व्यर्थ नहीं जाती, कोई करे सही। बहादुर शाह जफर का ध्यान अंतर्मुखी होने लग पाया, और यह बड़ा बुलंद पाया शायर सी कवि सी, इहदी यह नज़म मार्फत नाल भरी हुई है, बहुत वड्डी सच्चाई नाल भरी हुई है। यह कहिंदा है जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो होना, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैजो जका, जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कहना जद मेरिया निगाहां बार सन तो दुनिया कोई विंगी दिसती सी, कोई टेढ़ी दिसती सी, कोई कुरूप दिसदा सी, कोई चोर दिसदा सी, कोई ठग दिसदा सी, कोई बेईमान दिसदा सी, कोई शैतान दिसदा सी, बस सब कुछ यही दिसदा सी। पर आज ध्यान अंतर्मुखी हो गया है, बाकी दुनिया ते खुदा का रूप दिखाई देन लग पई है, मैनू अपना आप शैतान दिखाई देन लग पई, मैनू अपने अवगण दिखाई देन लग पई, बाकी दुनिया ते चंगी दिखाई देन लग पई है। अंतर्मुखी होण दी एक अवस्था है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए, साडा कोई दावा नहीं कि असी चंगे हाँ, पर साडा ऐसा कोई आखना नहीं कि दुनिया बुरी है। एक अवस्था बनती है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। पहले अपनियां बुराइयां दिखाई देनियां, भगत कबीर कहिंदे ने कबीर सब ते हम बुरे, पर जे साडे कोल फैसला कोई लवे ते असीं आखांगे कबीर सारिया नालों चंगा है, सारिया नालों महान है, सारिया नालों उत्तम है। पर कबीर कहिंदा है कायनात विच जितने मनुख ने मैं सारिया नालों भैड़ा, ते अमृतमई वचन ने इन्हां नूं कितने अतकथने भी ना समझ लेना यथार्थ ने। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। अंतर्मुखी नूं अपनियां कमजोरियां दिखाई देनियां ने, वो बाहर लोगों के उत्ते उपर उपर निगाह रखता है, गहरा नहीं जाता, तो बाहर ते हर एक दे कोल कोई ना कोई गुण है। मनुख अपनियां चंगियाइयां दी प्रदर्शनी करता है, नुमाइश करता है, चंगियाइयां ते बंदे ने उपर रखी हुई ने, मैं दानी हाँ, मैं ज्ञानी हाँ, मैं सत्संगी हाँ, पर यह ठग है, यह चोर है, यह झूठा है, कि बंदे ने सब कुछ छुपा के रखे है, ये बंदे ने सब कुछ छुपा के रखे, पर्दे च रखे है, हर एक ने पर्दे पाए हुए हैं, उपर नहीं फिर रहे। तो ये की होता है जेडे संत जन ने और दूजिया का उपर उपर देख लें, तो उपर उपर तो सारे ही चंगे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, एक भी बुरा नहीं है। उपर उपर देखना हो तो बड़े बड़े डाकुआ के उपर भी कुछ ना कुछ भलाई दिखाई दे जाए, यह भी मैं अर्ज कर देना। अपने विच गहरा झात मारना हो गुस्ताखी माफ, बड़े तो बड़े सत्संगियों भी अपने अंदर बुराई दिखाई दे जाएगी, कुछ ना कुछ खामी दिखाई दे जाएगी, कुछ ना कुछ कमजोरी दिखाई दे जाएगी, होंगी
एक तो यह है कि दूजिया सिर्फ उपर उपर वेखना अपने गहरा देखना, तो जिस गहरा देख दें तो अपने इतने कई जन्मों के माड़े संस्कार पे ने, बड़ा कुछ पे। तो इस तरह के पुरुष जगत की निंदा करने तो बाज आ जाते हैं और अपने आप में ही कहने असी बुरे हैं। कबीर सब ते हम बुरे हैं। संसारी ते जिहड़ा राजनीतिक है, यह दुनिया की सत पीढ़िया भंडन लग पैंदा, इहदा प्यो इंज आउंदा सी, इहदा दादा भी इंज आउंदा सी, इहदा परदादा भी चोर सी, इहदा नकड़ दादा भी चोर सी। बड़ा दूर तक चला जाता है, बड़ा गहरा जाता है। इहदे बच्चे भी ठीक नहीं, इहदी पत्नी भी ठीक नहीं, इहदी घरा भी ठीक नहीं, इहदे सारा चोरां दा कुंभ है। बड़ा गहरा चला जाता है। तो जब कोई मनुख दूजिया की गहराई विच जाता है, अपनी गहराई तो बच जाता है। यह कुदरती गल है, यह मैं अर्ज करते हैं। बार बार दूजिया वंडन वाला मनुख इस गल का सबूत दे रहा है कि इसने अपने अंदर जाति नहीं मारी। बस इतनी गल है, यह अंतरमुखी नहीं बना, इनू मर्यादा के जीवन की जांच नहीं आई। यकीन जाणो सतपुरुष कभी किसी को सीधा नहीं कहता कि तू बुरा है। दिस पिया सी गुरु नानक नो कि सज्जन नहीं है, ठग है। पर बड़े सोहने ढंग नाल उसने उपदेश किया, सज्जन से ही नाल मैं जो चल दिया नाल चलन, ए सज्जन सज्जन ते ओही ने जो हमेशा नाल होवन ते साथ देवन, दुख सुख दे रहबरी करन। और सतगुरु दे कहण दा ढंग, सज्जन तू ठगी जरूर कर, पर ठग बन के ठगी कर, सज्जन बन के ना कर। जब तू सज्जन बन के करता है तो बहुते तेरे ग्रिफ्त आ जाते हैं, तो सज्जनता बदनाम हो जाती है, धर्म बदनाम हो जाता है। जब कोई धर्म के नाते ठगी करे तो बहुते दुनिया नू धर्म तो सट लग जाती है, धर्म के रस्ते से चलनों रुक जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, पाप करे परमार्थ के वस तें पापन ते पुन पाप ल जाई। पाप भी शर्मसार हो जाने उस बंदे नो जिहड़ा पाप धर्म दे नाते करता है, धर्म दे नाते ठगी, धर्म दे नाते चोरी, धर्म दे नाते यारी, धर्म दे नाते झगड़ा, धर्म दे नाते कल कलेश, धर्म दे नाते वितकरे। इस दे नाल कहिंदे ने लजाए मान हो जाते हैं पाप, भाई कंबख्त तू किहड़ी थां ते सानू वरतिया, किस लिए वरते हैं। पाप भी कह देंदा चलो किसी बुरी थां ते सानू वरतना सी, तू सानू वरते आ धर्म दे नाम ते। पाप करे परमारद के वस तें पापन ते पुन पाप ल जाई। धर्म दे नाम ते तू चोरी कीती, धर्म दे नाम ते तू ठगी कीती, पाप भी कम उठते हैं। तो खैर मैं अर्ज करा, अक्सर सतपुरुष दूजिया दे गहरे नहीं जानते, उपर उपर देखते हैं। अक्सर सतपुरुष अपने विच बहुत गहरे जाते हैं, तो जैसे गहराई से जाते हैं तो जन्म जन्मांतर के संस्कार पतत संस्कार दिखाई दे जाते हैं, दिस पैंदे हैं। आम संसारी दूजिया च बड़ा गहरा जाता है। वेखिए इहदा प्यो की सी, इहदा दादा की सी, इहदा परदादा की सी। राजनीतिक लोग जब वंडन लगते हैं एक दूजे को तो यकीन जाने सत पीढ़ियां भंड के रख देते हैं, कबरां च मुरदे कढ़ छड़ते हैं, इतना करते हैं। क्योंकि दूजे बहुत गहरे जाने, बड़ा जो है गहरा चले जाते हैं। बहादुर शाह जफर भी किसी वक्त राजनीतिक से अज फकीर हो गया, अज बंदगी करने लग गया, अज ध्यान अंतर्मुखी हो गया। तो कहिंदा जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा, कुछ भी बुरा नहीं, अपनी खामियां दिस पईयां, अपनिया जो है कमजोरियां दिस पईयां, और उन्होंने सवारन ते सुधारन का ख्याल आ गया। भाई गुरदास जी ने एक लंबी चौड़ी गाथा लिखी है पौड़ी विच, मैं सिर्फ एक मिनट च बयान करा। कहिंदे ने दुर्योधन श्री कृष्ण दे कोल आए, कहन लगे साडा फैसला कराओ। फिर कृष्ण कहन लगे मैं यही सोच रहा सी कि फैसला मैं करना है थोड़ा, पर तू इंज कर हस्तनापुर दे आप जा, जड़ा सब तो नेक बंदा होवे, चंगा बंदा होवे, उनू लभ के लिया। ये भाई गुरदास जी ने कथा लिखी है पौड़ी।
युधिष्ठर ने भी बेनती की थी, सानू प्रवान है तुसी फैसला कर दो। तो श्री कृष्ण कहने लगे युधिष्ठर ना, पर तू भी एक काम कर, इस हस्तनापुर दे जिहड़ा सब तो भैड़ा होवे, सब तो बुरा होवे, सब तो दुष्ट होवे, उसनू लभ के दे। कहन चले गए। दिन ढलदिया दुर्योधन वापस आया ते कला, ते कृष्ण कहन लगे तेनू मैं कहा सी कोई नेक बंदा लभ के लिया, कोई शराफत दा मुजस्मा, कोई भले मानसी दी मूर्ति, कोई निर्माणता दी मूर्ति, कोई दूर दृष्ट, कोई सतपुरश लभ के लिया नेक बंदा। दुर्योधन कहिंदा मैं सारे हस्तनापुर विच निगाह मारी है, कमबख्त सारियां च कुछ ना कुछ खामियां ने, उन्हां नालों ते मैं ही चंगा थोड़े कोल खड़ा, दसो की फैसला करना मैं करा। मैं ही ठीक उन्हां सारियां नालों ते मैं ही ठीक। कहिंदे जद रात पै गई ते थकिया हारा युधिष्ठर भी आया, यह भी कल्ला आया। तो कृष्ण कहन लगे तेनू कहा सी बुरा मनुख लग के लिया, तू नहीं ले आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा थोड़े सामने ही खड़ा है, जे बुरा ही मनुख चाहिए तो मैं खड़ा, मैं देखे है सारे मैं तो चंगे ने, तो तुसी के असी सब तो बुरा, तो इस शहर का फिर मैं ही सब तो बुरा मनुख। हुण ऐसा नहीं सी कि हस्तनापुर में बुरे नहीं सन ते भले नहीं सन, सब कुछ सन। देखण देखण दा ढंग है, एक दूजिया के उपर 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 वेखदा है, तो उपर उपर ते हर एक दे गुण पैणे, एक दूजिया दे बहुत गहरा वेखदा है, अपने च उपर उपर वेखदा है। तो हर मनुख दे उपर उपर ते चंगियाईयां, हर बंदे ने उपर उपर ते चुकना चुपड़ी कीती होई है, लेपा पोची कीती होई है, शराफत दी, भले मानसी दी, नेकी दी, हर एक ने उपर जो है पेंट कीता होया, इस तरह की चित्रकारी कीती होई हर एक ने। मैं अर्ज करा जिहड़ा मनुख थोड़ा जिहा अंतरमुखी हुंदा है, वो हैरान हो जाता है इनिया बुराइयां मेरे, इस वास्ते अपने आप दे नाल बैठना बड़ा औखा है। मनुख अपने तो भजदा है, दूर हटता है, ये पुत्र नाल बैठ सकता है, मित्र नाल बैठ सकता है, पत्नी नाल बैठ सकता है, पति नाल बैठ सकती है, ये पड़ोसियों नाल भी बैठ सकते हैं। कुछ नहीं तो कोई किताब चाहिए, अखबार चाहिए, टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए, मनुख अपने आप नाल नहीं बैठ सकता। एक फकीर एक नदी तट ते बैठा सी कल्ला, उसके दोस्त ने देखा भी मेरा मित्र कल्ला बैठा है, ते मैं चल के इसनों साथ देवा। कल्लापन मनुख नूं अखड़दा है, ते मैं जेल दे च भी देखा है सब तो करड़ी सजा जिसनों देनी होवे ना, कहिंदे ने इसनों कल्ला रखो, इहदे नाल दूजा नहीं होना, आपे औखा होगा, आपे बेचैन होगा, आपे मानसिक तौर पर बेचैन हो, क्योंकि मन दे ते सारियां ही बुराइयां ने, ते कल्ला बंदा ते फिर मन दे तल ते जीवन लग पाएगा, थोड़ा जिहा ते अंतरमुखी होवेगा, जैसे अंतरमुखी होवेगा फिकर चिंता दुख तनाव। सब तो वड्डी सदा भारत विच मंदे ने नूं कल्ला रखो, चार दिनां विच ठीक हो जाएगा, आखेगा मैनूं सारिआं नाल रखो। तो कहण तो मुराद तनहाई नूं एक बोझ मनिया गया, दुख मनिया गया। उस फकीर ने देखा भाई मेरा मित्र कल्ला बैठा है, चल के मैं इसनों साथ दया। वो चला गया, जैसे उस फकीर दे कोल बैठता है तो कहता है फकीर साई तुसी कल्ले बैठे से, मैं थोड़ा साथ देने लिए आ गया। उसने आखिया मित्रा तेनू किसने कह दिता मैं कल्ला बैठा सी, मैं ते अपने आप दे नाल बैठा सी, हुण तू आया मैनू कल्ला कर छड़े, मैनू अपने नालों तोड़ दिता ही। धर्म की यह साधना है, पहले चरण में अपने आप दे नाल बैठ। अगर तू अपने आप दे नाल बैठन दे सफल हो गया तो एक दिन गुरु नाल बैठेगा, रब नाल बैठेगा। पहले तो तेरा अपना आप है, पर जे तू अपने आप नाल बैठन दे सफल नहीं होया तो गुरु कोल नहीं बैठ सकेगा। सारी दुनिया गुरुद्वारे आउंदी, कौन गुरु कोल बैठता, इस चक्कर च ना पैना, गुस्ताखी माफ, हाजरी भरनी होर गल है, गुरु की हजूरी में चले जाना होर गल है। हाजरी तो हजारा भर लेंगे, कोई बहुत वड्डी गल नहीं, गुरु की हजूरी च कोई कोई जाता है, किसी की सुरत शब्द नाल जुड़ती है तो आनंद लेंदी होवे, रस लेंदी होवे, नहीं तो हजूरी विच कोई नहीं जाता, सब बंदे
अपने तो दूर भजन की कोशिश करते हैं, गुरु कोल बैठने वास्ते पहले अपने नाल बैठना है, और गुरुद्वारे बैठिया बैठिया जिसमें अपनिया खामियां दिसन लग पैन, अपनिया कमजोरियां दिसन लग पैन, एक गल स्पष्ट हो गई कि इसनों अपने आप का देखना आ गया, जांच आ गई है, ढंग आ गया, तरीका आ गया, तौर तरीका आ गया। धर्म की जिहड़ी मूल साधना है अपने आप नूं वेखना, ते देख जिथे जिथे तेरी होंद बेमर्यादा है, देखें किधरे तेरा हासा बेमर्यादा ना होवे। मुख्तसर मैं अर्ज करा, मनुख हसता है दूजियां दी कमजोरी ते, मनुख रोंदा है अपनी मजबूरी ते। बगौर मुताला करना, हस पैंदे ने संत भी अपनी कमजोरी ते, रो पैंदे ने संत भी दूजियां दी मजबूरी ते। रोंदे रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, दूजियां दी मजबूरी देख के संत रो पैंदा है। दूजे इतने मजबूर ने, इतने दुखी ने, इतने बेजार ने, हस पैंदा है अपनी कमजोरी ते। धन गुरु रामदास जी महाराज का एक बड़ा कीमती वाक, हर जन गुण गावत हसया। गुरु रामदास हरी दा जन प्रभु दे गुण गांदियां गांदियां हस पिया, हर जन गुण गावत हसया। क्यों हसे दी की लोड़ पै गई, अपनियां कमजोरियां दिखाई दित्तियां, ते कमजोरियां ते हासा आवेगा चाहे दूजे दियां ने ते चाहे अपनियां ने। जो अपनियां कमजोरियां ते हस पिया वह संत है, भगत है, ते जो दूजियां दी कमजोरियां ते हसदा पिया संसारी और की ते बारमुखी बंदा है। रंग रोवे रोंदा है दूजियां दी मजबूरी ते। जद मेरे कोल कोई पुछदा है कि गुरु नानक ने नौ खंड पृथ्वी का भ्रमण किया, बारह बारह साल की एक एक उदासी, इतने पेंडे की की लोड़ सी, एक कोई जवाब निकलता है गुरु नानक दुखी सी। तर्क खड़ी हो जाती है कि जिहड़ा आप दुखी से वो सुख किस तरह दे सकता है। दरअसल ये दुख दूजियां का सी, अपना नहीं सी, दूजियां का सी। मैं इस दे उत्ते एक उदाहरण दें, बच्चा बीमार है, रात का वक्त है और बच्चा बेचैन है, हुण मां भी बेचैन है, बच्चा दुखी है, हुण मां भी दुखी है, बच्चे नूं नींद नहीं आ रही, तड़प रहा है, मां नूं भी नींद नहीं आ रही। मां नूं आखिया जा सकता है तू आराम नाल सौ जा, ताप ते बच्चे नूं चढ़िया, तैनूं थोड़ी चढ़िया है। पर नहीं, अगर किसी मनोविज्ञानिक कोल पुछोगे जिहड़ा ताप बच्चे दे तन नूं चढ़िया है उही ताप मां दे मन नूं चढ़े। बच्चा तन करके दुखी है, मां मन करके दुखी है। बच्चे की सारी पीड़ा, बच्चे का सारा दुख उसनों उसने अपने मन दे च वसा लिया है, तो बेचारी तड़प रही है। एक बच्चे का दुख जब मां ने अपने हृदय दे च वसाया तो सारी रात सौ नहीं सकी, तड़पती रही, कि सारी दुनिया का दुख दर्द गम जिस गुरु नानक के हृदय से वो आराम नाल सुल्तानपुर रेंदे ते किस तरह रेंदे, वो आराम नाल तलवंडी रेंदे ते किस तरह रेंदे। जगत का गम लई फिरदा सी, जगत का दर्द लई फिरदा सी, इस वास्ते गुरु नानक दे नाल शब्द जुड़ गए दर्दी दाता, लोगों का दर्द वंडाण वाला। लोकी खुशियां वंडाण वास्ते ते मिल जाणगे, दर्द कोई नहीं वंडाएगा। यह भी मैं अर्ज करते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं, सुख में बहु संगी भये, दुख में संग ना कोय। सुख है तो सुख वंडाण वास्ते ते बहुत सारे आ जाणगे, बड़े संगी साथी लभणगे, बड़े मित्र लभणगे, पर जे तू पीड़ा दे च होया, जब तू दुख दे च होया, जब तू विपता दे च होया, चिराग लैके भी साथी लभेगा नहीं, तेरा दर्द कौन वंडाए, तेरे दुख का कौन भाईवाल बने, तेरी मुसीबत ते पीड़ा का कौन भाईवाल बने। इस वास्ते दरबार अकबरी का एक बड़ा कीमती रतन नौ रतना दे चा जनाब कवि रही, तो एक बड़ी कीमती गल कहिंदा है, रहे मन विपता हूं भली, कहिंदा मुसीबत भी चंगी है, पीड़ा भी चंगी है, विपता भी चंगी है। रहे मन विपता हूं भली, जो थोड़े दिन होए होवे थोड़े दिन आली।
कुछ दिनों से। यह नहीं कि विपता घर आए तो निकलण का नाम ही ना लवे। कहिंदा विपता चंगी है बशरते थोड़े दिनों लई आवे, रहीमन विपता हूं भली, जो थोरे दिन होए हित अनहित सब जगत में जान परत सब कोए। फिर पता चल जाता है हितू कौन है, अपना कौन है, बेगाना कौन है, फौरन पता चल जाता है। वो विपता दस दें, वो अपता दस दें, वो मुसीबत दस दें। खुशी देते खुशियां वंडाण वास्ते सारा जमाना आ जाएगा, दुख कोई नहीं वंडाता। दुख वंडाण वास्ते निकले धन गुरु नानक, किधरे कौड़ी का दुख वंडाते हैं, किधरे अग्ञानियों का दुख वंडाते हैं, किधरे मानसिक तल से जो रोगी ने उन्हों का दुख वंडाते हैं, नौ खंड पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। यह ऐसा वैद सी जो बिना बुलाया पहुंचता सी, बिना फीस से पहुंचता सी। इतना दर्द, इतनी पीड़ा, दर्दी दादा देखिया हंकार के रोग दे पीड़ित ने। इस सुमेर दे जोगी तो पहुंच गए सुमेर पर्वत पे, देखिया अज्ञान दे पीड़ित ने ए मक्के दे हाजी ए बदू, सतगुरु उत्थे भी पहुंच गए। देखिया शरीरिक तल तक रोगी ए कोड़ी, ओदी जोगी च भी पहुंच गए। भरम वहम तो मात का बोझ चुकी फिरदे ने ब्राह्मण हरिद्वार दे ए बनारस दे, सतगुरु उत्थे भी पहुंच गए। और एक बैठा है लोगों ठगदा पे है, धर्म का जामा लेके पहन के और धर्म के नाम से ठगी जाता है, लोगों पीड़ित करी जाता है, आप बेचैन हो जाता है, सतगुरु उस कोल भी पहुंच गए। ऐसा दर्दी दाता मैं अर्ज करा, सुख दुनिया वंडा सकती है, दुख किसी ने नहीं वंडाना। ते हुण मैं अर्ज करा, संत हसदा है अपनी मजबूरी पर, रोंदा है दूजियां दी मजबूरी पर। संत हसदा है अपनी कमजोरी पर, अपने अवगुणा पर। संत रो पैंदा है दूजे दे दुखां ते, रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, उदी खामोशी विच भी कोई रस है। जे चुप भी बैठा है तो वाकई चुप बैठा है, ये नहीं कि अंदर नाजायज पुरने पे चल दे, समाधि लीन है, एकाग्र बैठा है। रो रहा है किसे मस्ती, हस रहा है किसे रंग, रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना है। नंदलाल ने तो गल बड़ी गजब दी कह दी है, वो कहते ने शाखे उम्मीद आशिक, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अनन भगत और जिसते कलगीधर पातशाह बड़ा माण करते सन। शाखे उम्मीद आशिक हरगिस समर न गीरत, ऐ प्रेमी ऐ रब दे मार्ग दे पांदी, ऐ प्रेमी तू उम्मीद का बूटा लाया, आशा का बूटा लाया, इनू मिलाप का फल नहीं लगेगा। हरगिस समर न गीरत, समर कहने फल हरगिस फलीभूत नहीं होगा। क्यों? तू इस उम्मीद के बूटे नो, इस आशा के बूटे नो सिंचिया तो है नहीं, पानी तो पाया ही नहीं, तू पानी की पाई है। तू उम्मीद का बूटा लाया रब मिले, तू आशा का बूटा लाया गुरु नाल जुड़ा, ये बूटा फलीभूत नहीं होगा। शाखे उम्मीद आशिक हर गिस समर न गीरत, अज आबे अशके मैजगां ता सबज तर ना बाशद। जितने चिर तक अपनी अखां दा जल इस उम्मीद दे बूटे दिच नहीं पावेगा, रब्बी मिलाप दा फल नहीं लगन लगा। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना है। तो मैं इस करा धर्म खंड मर्यादा दिच हसना होवे, मर्यादा दिच रोना होवे, मर्यादा विच खाना होवे, मर्यादा विच पहनना होवे। पहनना ऐसा ना होवे कि जिस्म की प्रदर्शनी होवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस नूं इंज बयान करदे ने, रन्ना होईयां बोधियां पुरख होए सयाद। सयाद कहंदे ने शिकारी नूं, ज़ालिम नूं, ते बोधियां चंचल प्रदर्शनी करन वालियां। स्त्री अपने जिस्म की नुमाइश करना चाहती है, प्रदर्शनी चंचल,
ते पुरुष शिकारी बने हुआ है, वो इस ताकत च है, उसकी तकनी इस तरह की, उसकी खोज इस तरह की, बड़ी उसकी जालम बिरती, बड़ी उसकी शिकारी बिरती, वो शिकारी है ते ए खुद शिकार बनती है, जिसम की प्रदर्शनी करती है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद। पहले पातशाह जी की बाणी है, गुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोल, रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच बन्नी खाणा खाज अखाज। ना शील है, ना सुच है, ना संजम है, ना शर्म है, ना हया। एक शिकारी है, एक प्रदर्शित करना चाहती है, एक अपने जिस्म की नुमाइश करना चाहती है, दूजा देखना चाहता है, एक शिकारी है। इस तरह की वृत्ति अगर स्त्री की है और इस तरह की वृत्ति अगर पुरुष की है तो पता है औलाद किस तरह की होगी। सतगुरु कहते हैं, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जरूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। धियां पुत्र जिन भूत होणगे और कुछ नहीं, धियां भी जिन पैदा होणगियां, पुत भी जिन पैदा होणगे। इत्थे तां हुण मैं कह नहीं सकदा, भारत दे दास थां थां ते भ्रमण करदा है ते कई मां बाप कह दिंदे ने, गहने जी इस बच्चे ने सानू बड़ा वक्त पाया है, सारे महल्ले नू वक्त पाया है, ते कुछ दिन वास्ते तुसी अपने कोल रख लो। ते मैं कहना हुंदा जिहड़ा भूत थानू चंबड़ा है मैनू चंबड़ना है, ते मैं जिहड़े संगल रखे जी उहनू बन के रखांगा। इह ते भूत है, थानू वक्त पाया, परिवार नू वक्त पाया, सारे महल्ले नू वक्त पाया, ते भूत है। ते आखिर भूत परेत ही पैदा होणगे और की। कली अंदर नानका, सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने जो हालात नू वेख के और जो अपने क्याफे पेश किए ने बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू ते जिन्ना दा सिकदार। किसी ने सारे परिवार नू वक्त पाया, किसी ने सारे महल्ले नू वक्त पाया, किसी ने सारे शहर नू वक्त पाया, कुछ ऐसे भी होंदे ने सारी कौम नू वक्त पा देंदे ने, सारे देश नू वक्त पा देंदे। भूत प्रेत चंबड़दे ने जैसे कलेश बरपा, घर दे च रुदन, घर दे च कलेश, दुख ते संताप। अगर जीवना मर्यादा दे च नहीं, खाना पीना मर्यादा दे च नहीं, पहनना मर्यादा दे च नहीं, हसना ते रोना मर्यादा दे च नहीं, तो आखिर अंजाम ते माड़ा होएगा। कुदरत ने सब कुछ नाप तोल के रखे। देखो साडे शरीर दे 98 डिग्री तक गर्मी रहे ताई असी तंदुरुस्ताना, एक बच जाए 99 हो जाए 100 हो जाए मंजे ते पै जांदे, नहीं उठ सकते। गर्मी परमात्मा ने नाप तोल के रखी है कि शरीर इन कह लो बिल्कुल एयर कंडीशन है। परमात्मा भावन भाव बर्फ पैंदी होवे 98 रहेगी, भावे लू चलती होवे अंदर 98 रहेगी। रब ने नाप तोल के रखी। पर मनुख खाण पीण की बदपरेसी करके इस नियम नू तोड़दा है, बगौर मुताला करना। सब कुछ परमात्मा ने जिसम विच नाप तोल के रखे मर्यादा दे, और जदों मनुख खाण पीण की बेसंजमी करता है, रहन उठन बैठन की बेसंजमी करता है, ये तत्तां दा डिसिपलिन बिगड़ जाता है, मर्यादा टुट जाती है, मर्यादा भंग हो जाती है। तो जिस बंदे ने अपने जिसम की मर्यादा नू भंग कर दिता है गुस्ताखी मां, वो परिवार की मर्यादा भी भंग करेगा, वो संसार की मर्यादा भी भंग करेगा, वो गुरु की मर्यादा भी भंग करने की कोशिश करेगा, वो हर पासे कोशिश करेगा, कुछ भी मर्यादा विच नहीं, और मर्यादा की पालना भी नहीं करेगा। वो मर्यादा तोड़ेगा, वो ट्रैफिक रूल भी तोड़ सकता है, ट्रैफिक के नियम मर्यादा नहीं मनने, सड़कों पर चलने का जो नियम है इसनों भी तोड़ेगा। जो जिसम के तल पर उखड़िया होया है, कहने हर तल पर उखड़ेगा, हर थां ते मर्यादा नू तोड़ेगा, हर थां मर्यादा नू परे सुटेगा। इस तरह के बंदे नू कहंदे ने ए परमात्मा दे मार्ग दा पांदी नहीं ते धर्मखंडी भी नहीं है। राती रुती थिती वार, पाउण पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसार। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। साहब कहते हर एक दे कर्मा दी विचार होएगी, कर्म मर्यादा दे सन कि बेमर्यादा। खाना पीना बेमर्यादा है, रोग पैदा हो जाएंगे,
और आप सुन के हैरान हो गए, आयुर्वेद आचार्य कहने ने 90% रोग आहारक ने, जो सड़े इस रोग पैदा होते ने 90% आहारक ने, खाण पीण की बदपरेजी होने 10% जद्दी हो सकते ने खानदानी, 10% होर कुछ कारण हो सकते ने, 90% रोग आहारक ने। मनुख अपने शरीर के अनुकूल नहीं चलता, और उन्होंने बकायदा एक नियम भी दसे है, वात पित कफ। वो कहने जब बंदे नू ताप चढ़िया है, वो जो 90% रोग मन्ने ने, जब मनुख दुखी होया है, पीड़ित होया है, रोगी होया है, वो कहिंदा इन्हां कारणों करके होवेगा। वह धनंतर हकीम लुकमान जिन्होंने आयुर्वेद के उत्ते बहुत वड्डा काम किया है, अज तो हजारा साल पहले जो जड़ी बूटियां का उन्होंने सुभा दसिया है, अजोकी साइंस उस तो उल्ट नहीं दस सके, वही है। यह भी मैरज करते हैं वात पित कफ। वो कहने जिस दे शरीर दे पित प्रधान हो गई है, पित गर्मी बढ़ गई है, बढ़ा देता है उसने मादा, या गर्मी प्रधान शरीर है, पित प्रधान उसका शरीर है, ऐसे बंदे नो ओ चीजा खाण तो संकोच करना चाहिए जिन्हां दी तासीर गर्म है, नहीं तो पित बढ़ जाएगी और इस पित तो अनेक रोग हो सकते हैं, पीलिया हो सकता है और इस तरह के होर सैकड़े रोग हो सकते। कफ पानी प्रधान, ऐसा मनुख उन्हां चीजा नु खावे जिन्हां दी तासीर ही ठंडी है, बड़ी ठंडी है, अगर खाएगा जोड़ दुखणगे, मोंडे टुटणगे, होर हजारां तरह दी बीमारियां पैदा होणगियां। वात पित कफ वात वायु, ते जिहदे शरीर विच वायु प्रधान है वह बादी चीजा खावे होर वायु वधेगी, ते वध्या इहदा शरीर निडाल हो जाएगा। वो कहिंदे सन आयुर्वेद आचार्य भी पहले अपने शरीर के नियम नू देख ले, शरीर विच कि चीज प्रधान है, पित प्रधान है, कफ प्रधान है, वायु प्रधान है, यह भी एक अपने आप विच विज्ञान है, सूझ ते समझ है। इस वास्ते साहब कहिंदे ने कि जमीन ते मैं देखदा रातां ने रुत्तां ने थित है वार सब मर्यादा दे चल रहे ने, दरिया मर्यादा दे चल रहे ने, सागर मर्यादा दे चे, सूरज चंद तारे मर्यादा दे ने, जमीन मर्यादा दे घूम रही है, तू बेमर्यादा, तू मर्यादा दे, तेरा सब कुछ बेमर्यादा, तेरा उठना बेमर्यादा, तेरा सोना बेमर्यादा, तेरा खाना बेमर्यादा, तेरा पहनना बेमर्यादा, तेरा हसना ते रोना बेमर्यादा, सब कुछ मर्यादा दे चाहिए। ये धरती धर्म कमाण वास्ते है, ये धरती इस वास्ते है कि तू मर्यादा दिच रहे, धरती खुद मर्यादा दिच है, ते तू धरती ते चल रहे मर्यादा दे चल, धरती खुद मर्यादा दिच घूम रही है, इस वास्ते तू धरती ते जीवना है ते मर्यादा दिच जी। महापुरुषा ने बैरूनी कुछ मर्यादावां बनाईया ने, धर्म खंड इस्लाम ने शरा बना दिती, हिंदू धर्म ने कर्म कांड बना दिता, सतगुरां ने भी साडे वास्ते धार्मिक मर्यादा बना दिती, शरीर की मर्यादा बना दिती, समाज की मर्यादा बना दिती, जिहड़ा तोड़े वो ते जे पहले पड़ाव ते भी नहीं है। ते मैं एक अर्ज कर दिया, कलगीधर पिता ने कह दिता सी कि मैं आत्मा करके ग्रंथ देचा गुरु ग्रंथ, और मैं शरीर करके गुरु पंथ देचा गुरु पंथ, पंथ दे दर्शन मेरी काया दे दर्शन, ग्रंथ दे दर्शन मेरी आत्मा दे दर्शन। शब्द नू जो सुनेगा वो मेरी आत्मा नाल जुड़ेगा, और जो संगत दे दर्शन करेगा, पंगत दे दर्शन करेगा, पंथ दे दर्शन करेगा, वो मेरी काया दे दर्शन करेगा। सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो पले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। सर्वलो ग्रंथ, मैं काया करके पंथ देचा। अगर कोई थानू कहे ना कि देहधारी गुरु तो बिना गल नहीं बनती, कह देता करो पंथ साड़ी देहधारी गुरु है, असी पंथ दे दर्शन करते हैं, गुरु दे दर्शन, संगत दे दर्शन विच संगत हर प्रभु वसे जी। इसनू मैं फिर खुलासे दे जो है लवांगा। तो पंथ दी अपनी एक अहमियत है, और जब पंथ गुरु है तो सतगुरु ने अख्तियारात दे दिते सन पंजां नू। अज तो 50-60 साल पहले 50-60 बंदियां ने साल डेढ़ साल मेहनत करके सिख सिंह दी मर्यादा तरतीब दिती लिखी, जिन्हों खरड़ा कहते हैं,
अकाल तख्त का, जिसे संतां दे भी दस्तखत ने, गुणी ज्ञानियां दे भी दस्तखत ने, उस वक्त दे आलम विद्वान मुदब्बर सब दे साइन ने। और एक साल लगातार मेहनत की गई, विचार वटांदरा किया गया, तो यह नतीजा निकलिया। जैसे ट्रैफिक रूल कोई एक दो ही बनाते हो गए, पर पालना तो सारा देश करता ना, करोड़ों बंदे ट्रैफिक रूल थोड़ी बनाते हैं, करोड़ों बंदे ट्रैफिक रूल मनते हैं, एक दो ट्रैफिक रूल बनाते हैं, दो चार ट्रैफिक रूल बनाते हैं, जना खना नहीं बनाता, जने खने मनना पैदा जो ट्रैफिक रूल बन गए। इस तरह जना खना पंथ की मर्यादा नहीं बनाता, तो जने खने कोई हक नहीं, यह भी मैं अर्ज करते हैं, किसी नूं कोई हक नहीं। मर्यादा नूं मनना साडा फर्ज है, मर्यादा बनावनी साडा हक नहीं है, पंथ का हक है। और आखिरी फैसला अकाल तख्त का, ये चार कुंटां विच उस वक्त जो सतगुरां ने तख्त बनाए सन, पुराने पंथ ने प्रमाणी, ये तख्त एक दक्षिण दे हजूर साहब, एक पूरब दे पटना साहब, इस तरह उत्तर दे आनंदपुर साहब से प्राचीन, और दक्षिण में लहिंदी तरफ पै जाता सी अकाल तख्त। जे किधरे झगड़ा है आपस दे सिखां दा, कर्नाटक, तमिल, केरला, महाराष्ट्र, मध्य भारत जाके निपटा लो हजूर साहब, बंगाल है, असम है, बिहार है, कोई आपस में मतभेद ने निपटा लो पटना साहब। पर जे कि तख्तों का भी आपस में मतभेद है तो फिर निपटाओ अकाल तख्त, आखिरी फैसला अकाल तख्त का, जे तख्त भी आपस में मतभेद। बदकिस्मती साडा बहुत कुछ हिला दिता गया है, पता किसी कौम को खेरू खेरू करना हो तो उसका जोड़ा इष्ट है, उसके इष्ट के मुकाबले देते कुछ इष्ट होर पैदा कर दो, तो गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले देते दस भी गुरु होर पैदा कर देते गए हैं, कोई निरंकारी है, कोई नामधारी है, कोई राधा स्वामी है, कोई किले वाले ने, तो कोई होर दस भी ने, भावें अपने आप को कहें थे वो संत ने, पर खिमा करनी गुरु ने, जिस ढंग नो चलते पेने, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी मर्यादा बना ली, वो कहने साड़ी डेरे की यह मर्यादा, साड़ी यही मर्यादा, तो पूछा जा सकता है फिर पंथ की की मर्यादा, थोड़ी ये मर्यादा दूसरे की हो, तीसरे की हो, चौथे की हो। तो जब कई दफा कोई सिख रोज गुरुद्वारे आने वाले भी कहने नहीं जी असी तो अपने ढंग की मर्यादा चलानी है, तो फिर राधा स्वामियों को बंडन की कोई लड़ ही नहीं, निरंकारियों को भंडन की कोई लड़ नहीं, शायद साढ़े नालों ज्यादा बाणी पढ़ते हैं, सिर्फ साड़ी मर्यादा ही तो नहीं मनते, कहने नहीं मनते। ये मैं सिर्फ पंथक दर्द को मुख रख के थोड़े सामने रख रहा गल, कोई ईरखा वस हो के नहीं, इतनी मैं अर्ज करा, एक गुरु के मुकाबले देते दस भी गुरु खड़े कर देते गए, कौम खेरू खेरू, और जिहड़ी कौम धार्मिक तौर पर एक ना होवे उसनू सियासी तौर पर एक करना बड़ा औखा है, बहुत कठिन है। गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले पर कुछ गुरु खड़े कर दिते गए, और इस तरह के गुरुओं ने कभी पंथ का साथ नहीं दिता, यह भी मैं अर्ज करते हैं, कभी नहीं दिता, इतिहास सामने है। मर्यादा खेरू खेरू करो, बिल्कुल डिवाइड कर दो, तकसीम कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। अज एक कौम धार्मिक तौर पर भी वंडी हुई है, सियासी तौर पर भी वंडी हुई है, दूरदृष्ट चिंता तुरने की बनेगा, की होगा, इतने धार्मिक तौर पर भी तकसीम हो गए, इतने सियासी तौर पर भी तकसीम हो गए। अकाल तख एक है, पर बदकिस्मती जथेदार इस वक्त तीन है। मैं भारत देश भी ऐलान किया, जेड़े दो अपना नाम विड्रा कर लेंगे मैं अपना मस्तक उन्होंने कदमों पर रखांगा, एक रहन दो ताकि पुरानी परंपरा साड़ी चले, ताकि असी मान नाल कह सकी असी सब एक, बिल्कुल एक। लेकिन साड़ी इस एकता नूं, साड़ी इस एक नूं बहुत सट वजी है, भावें साड़ी गल तो एक तो शुरू होंदी है, गुरु ग्रंथ साहब का पहला अक्षर एक है, किसी वक्त खुलासा करांगा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी एक तो आरंभ होंदी है। असी सारी दुनिया नूं इस एक नाल जोड़ना सी, बदकिस्मती असी आप भी एक नहीं रहे, ये बहुत वड्डी गल है। लगता है कोई भी मर्यादा की पालना करन नूं तैयार नहीं, ना शरीरक मर्यादा, ना ईश्वरी मर्यादा, ना गुरु की मर्यादा, अपनी मर्यादा, अपनी मर्यादा। जे अपनी मर्यादा चलावांगे तो शरीर बीमार हो जाएगा,
अपनी मर्यादा चलावांगे पंथ फेरू फेरू हो जाएगा, अपनी मर्यादा चलावांगे तो बिखर जावांगे। पंथ की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, ईश्वर की मर्यादा, इसको फिर मैं थोड़ा जहा खोल सका कल आप जी के सामने रखांगा। तो मैं देखता पाया समा अगे चला गया। जिस तरह जमीन दे सब कुछ मर्यादा दे चल रहा है, राती रुत्ती थित्ती वार, पौन पानी अग्नि पाताल, इस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, यह धर्मशाल है जीवा दे धर्म कमाण की जगह। सब कुछ धर्म दे चल रहा है, रात चल रही है, दिन चल रहे, दरिया चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, सूरज चंद तारे चल रहे हैं, जमीन धर्म दे चल रही है, मर्यादा दे चल रही है, नियम दे चल रही है। बंदे अगर नहीं चल रहे तो तू नियम दे च नहीं चल रहे, तेरा सब कुछ बेनियम बेमर्यादा। इसनों कल थोड़ा जहा और अगे तोड़ांगे ताकि पता चले असी पहले पड़ाव दे च भी हां के नहीं। पंजवां ते सचखंड है, सचखंड वसे निरंका, असी पहले पड़ाव ते भी पहुंचे हां के नहीं। इस मर्यादा नूं किवें जपना है, किवें इस मार्ग ते चलना है, जो गुरु नानक कलगीधर पिता ने साढ़े सामने ये मर्यादावां रखियां ने, कुछ बुद्धि अनुसार एक पाठी की तरह पढ़ के मैं थोड़े सामने जो है रखता जावांगा। धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, सच खंड, सिलसिलावार ये सारिया विचार आप जी के सामने बड़े एकाग्रता नाल टिकाऊ नाल आपने सरवण किया। सारिया का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। मुकुचरे शास्त्र खट पिंग ग्रंथ जाए, अंध लखे बधरो सुने, जो काल कृपा कराए। सन्मानित गुरुदेव की सनिमर फतेह प्रवान करने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पंथ गुरमत मार्ग दे जिहड़े वख-वख पड़ाव ने, जिन्हां दा जिक्र धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पहले पातशाह ने अपनी पहली बाणी जपजी साहब विच कीता है, वो मैं आप जी के सामने विचारां रख रहे हैं। मैं इस भाव नूं मुख रख के कि हर एक नूं इह सूझ होवे, पता चले कि असी किस पड़ाव ते हां, चले भी हां कि नहीं और कितनी दूर तक गया। गुरबाणी दस देंदी है और गुरबाणी एक एक पड़ाव का बकायदा जिक्र करती है। थोड़ा जहा एक मिनट मैं दोहरा दें। हिंदू धर्म ने दो पड़ाव मने ने, तीसरी मंजिल जिन्हों सनातन मत कहते हैं, कर्म कांड उपासना कांड, ये दो पड़ाव ने। ज्ञान कांड ये प्राप्ति है, ये मंजिल है। ज्ञान की प्राप्ति ही भगवान की प्राप्ति। इस्लाम ने तीन पड़ाव मने ने, चौथी मंजिल मनी है शरीयत, तरीकत, मार्फत ते हकीकत। हकीकत के अखरी अर्थ ने सच्चाई, सच तक पहुंचना। सच मंजिल है, सच खुदा है, सच ईश्वर है। ये पड़ाव ने शरीयत, तरीकत, मार्फत। गुरु नानक देव जी महाराज ने मंजिल का नाम दसिया सच खंड। चार पड़ाव ने धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, फिर सच खंड। कल दास ने अर्ज की सी धर्म खंड की कुछ विचार, और एक एक खंड की विचार गुरु नानक देव जी महाराज आप करते हैं। राती रुती थिती वार, पौन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था प्रथी धर्मशाल। इस धरती के उत्ते रुत्तां ने, थित्तां ने, वार है, पवन चल रही है, पानी चल रहा है, अग्नि है, सब मर्यादा दे चल। ग्रह नक्षत्र ने, सूरज चंद तारे ने, सब कुछ मर्यादा दे चल।
मर्यादा कहिंदे ने सिर्फ पहुंचाण वास्ते आउंदी है, चलाण वास्ते आउंदी है। अगर कोई मर्यादा नूं सिर्फ मंजिल समझ लवे, टिकाणा ही समझ लवे, तो फिर वो मर्यादा दी फस के रह जांदे, अगां नहीं पहुंचदा, रह जांदा है। धर्म खंड इंज कह लो धर्म दे मार्ग दी शुरुआत है। इसनों मैं एक झरने नाल तशबीह दिया, बहुत ध्यान नाल श्रवण करना। शुरू शुरू जब पहाड़ां दे सीने चीर के कोई पानी निकलता है, झरना निकलता है, उहदे च तेजी बड़ी आउंदी है, बहाव बड़ा तिखा आउंदा है। शुरू शुरू दे जब कोई धार्मिक बनता है, जिस दे अंदर लगन पैदा हो जाती है, चाहे वह नवा मुसलमान बने, चाहे नवा सनातनी बने, चाहे नवा क्रिश्चन बने, चाहे नवा नवा गुरमत दे मार्ग दे चले, उसके भाव बड़ा होगा, तेजी बड़ी होगी। और इस तरह तेजी होगी उस झरने जिमें हुणे ही पहुंचे सागर तक, हुणे ही पहुंचे। तेजी ते बड़ी होगी लेकिन गहराई नहीं होगी। इतनी मैं अर्ज कर लिया, बहाव बड़ा होगा, गहराई नहीं होगी। धर्म खंडी मनुख को मर्यादा होगी, गहराई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और ठीक है, पहला पड़ाव तो है, जिस बूंद ने सागर तक पहुंचना है, आखिर कई पड़ावों तो लंघ के पहुंचेगी। तो धर्म खंड एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो हुण मैं ये भी अर्ज कर दिया, जिमें इस एक शहर तो दूजे शहर जाना है तो पहले शहर नूं छोड़ना पैंदा, उस तों अगे लंघना पैंदा। जो नियम असीं बाहर देखते हाँ उही नियम अंदर ने। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मंड दे च है, जैसे नियम या परमात्मा, सही उसी तरह के नियम ते उही परमात्मा मनुख दे अंदर है और उही कुछ चल रहा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो शुरू शुरू जब कोई धार्मिक बनता है, नवा नवा सिख बने, नवा नवा जोगी बने। मैं देखा हिंदुस्तान चो कई इस पासे योगी आते ने, बड़े उन्होंने पिछे चल पैंदे ने, बड़ा बहाव होंदा है, बड़ी तेजी आती है। और उन्होंने तेजी देख के इंज पता चलता जिवें हुणे पहुंचे ते हुणे पहुंचे, पर एक कुछ दिन की तेजी आती है, बस कुछ दिन की, गहराई नहीं आता, उस कोई गहराई नहीं, उथलापन आता है, बहाव बड़ा तिखा आता है, तेजी बड़ी आती है। मर्यादा ते जोर बड़ा है। अगर कोई झरने का पानी किसी चट्टान नाल टकरा के तो थे परिक्रमा करता रहे, अगे वगे ही ना, जाए ही ना, तो शायद उत्थे रुकाव पैदा हो जाए, उस रुकाव करके सड़ांद भी पैदा हो जाए, तो किधरे पिछों बहाव भी रुक जाए। तो जिस तरह रुके होया पानी सड़ जाता है, धर्म खंड दे उत्ते रुकी हुई सुर उहदे च बड़ी बदबू आ जाती, कट्टर हो जाता है, ईर्षालू हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है। और धर्म के नाम से बड़े बड़े झगड़ियां नूं जन्म देवेगा,